हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 14 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 12 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं राशियों की तुलना, लेकिन कुछ नए तरीके से आज हम ये तुलना सीखने वाले हैं। अब वो क्या है, हमारे पास साधारण ब्याज आप सब समझते हो, कई बच्चों ने सुना होगा ये नाम ब्याज और शायद कईयों ने नहीं सुना होगा। चलिए हम अभी समझेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये ब्याज क्या है। आज की वर्कशीट में हम ये ब्याज निकालना सीखने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज लिखी है वो पढ़ लेते हैं। लिखा है सोचिए और चर्चा कीजिए। देखो प्रश्न एक है, यदि आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे। बचाना मतलब सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो कहाँ जमा करते हो फिर आप पैसे, अगर ऐसे आप बचाना चाहते हो पैसे कि आपके खो ना जाए, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो, तो बैंक में। तो आप कहाँ जमा करोगे, बैंक में जमा करोगे। दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है आप अपने पैसे बैंक में क्यों जमा करते हो। तो इसके दो रीजन है बैंक में जमा करने के। एक तो पहला रीजन यही कि हम अपने पैसे बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। दूसरी बात, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं ना तो फिर जब हम वापसी लेते हैं पैसे उस समय के बाद, तो उसमें ब्याज लग के मिलता है, मतलब थोड़े पैसे बढ़ के मिलते हैं। अगर 1000 जमा किए चाहे उसमें मुझे 100 रुपये ही बढ़ के मिले, ठीक है, तो 1100 रुपये मिल जाएंगे, तो बढ़ के तो मिले ना। अब वो 1000 रुपये मेरे जमा भी हो गए, अच्छे से सेफ भी रहे, ठीक है ना। तो प्रश्न 2 में आप दो चीजें लिख सकते हो ताकि मेरे पैसे जो है बचे रहे, मतलब किसी तरीके से उनको नुकसान ना हो, ठीक है। और दूसरा, उसमें मुझे ब्याज लग के मिलता है पैसा, ठीक है। तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं क्या आपके जमा किए गए पैसे बैंक में बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं, तभी तो हम बैंक में डाल रहे हैं, वरना हम घर में रख लेंगे अगर पैसे नहीं बढ़ेंगे तो, है ना। घर में रखते हैं तो जब तक नहीं बढ़ते ना, जब तक हम उसमें और नहीं डालते। लेकिन बैंक में तो हमने एक बार डाल दिए और अगर नहीं निकाले तो वो बढ़ते रहते हैं थोड़े थोड़े करके। तो वो कह रहा है क्या बढ़ते हैं पैसे, तो बिल्कुल बढ़ते हैं। और कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि उस पे ब्याज मिलता है, ठीक है ना। ब्याज मिलता है तभी तो बढ़ते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं का जवाब क्या आएगा, क्योंकि उस पे हमें ब्याज मिलता है इसलिए बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हमारे हो गए, जो हमारे से पूछा गया था वो हमने बता दिया। अब आज की वर्कशीट में आप क्या सीखने वाले हो, आज की वर्कशीट में आप कुछ चीजें सीखने वाले हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या क्या है। एक आप मूलधन के बारे में सीखने वाले हो, ठीक है। एक आप ब्याज, ठीक है, ब्याज दर के बारे में। एक आप समय के बारे में यहाँ पर देखोगे क्या होगा, ठीक है। और बाकी का आपको ब्याज तो पता ही चल गया क्या है वो। देखो होता क्या है, ये सारी चीजें क्या है, कैसे निकालें हम ब्याज, वो जो इस वर्कशीट में आज हमें बताया गया है। देखो मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। मान लेते हैं कि ना मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है ना। अब मैं किसी और से नहीं ले रही, आपसे ले रही हूँ यहाँ पर पैसे उधार। तो और आपने भी मुझे दे दिए उधार। तो मैंने आपसे ना 10,000 रुपये उधार ले लिए, ठीक है। और फिर मैंने आपको बोला कि ये 10,000 रुपये ना मैं आपको 2 सालों के बाद वापसी कर दूंगी, ठीक है ना। तो आपने भी मुझे 10,000 दे दिए। तो इसमें मेरा तो ये फायदा हुआ कि मुझे 10,000 रुपये मिल गए। जो काम मुझे इन पैसों से करने की मैंने सोची थी वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन इसमें आपको क्या फायदा हुआ, क्या ऐसा कोई होता है अपना फायदा देखे बिना अपने 10,000 रुपये अपने पैसे किसी और को दे देगा, नहीं होता ना ऐसा कोई। तो आपको क्या फायदा होगा, तो आपको ये फायदा होगा पता है, आप मुझसे बोलोगे कि 10,000 रुपये तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 2 सालों के बाद आपको मुझे 10,000 तो देने ही देने हैं, उसके साथ साथ उसका 10% और देना है। तो कितना देना है, 10% और लगा के देना है। प्रतिशत में निकालना हमने अपनी पिछली वर्कशीट में सीखा है, ठीक है ना। तो आपने ये बोला कि 10,000 तो दोगे ही दोगे और 10% और दोगे। मैंने कहा ठीक है, ठीक है ना। तो जो ये 10,000 रुपये मैंने आपसे उधार लिए ना, ये है मेरा मूलधन। और जितने सालों के लिए उधार लिए वो है मेरा समय। और जितना परसेंट मैं आपको वापसी करूंगी, मतलब एक्स्ट्रा वाला फालतू का जो ब्याज लगा के करूंगी, ये मेरा हो गया दर, ठीक है। इसको मैं पी से दिखाती हूँ, इसको मैं टी से दिखाती हूँ और इसको मैं आर से दिखाती हूँ। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि मैं 10% बढ़ा के दूंगी। तो ये तो प्रतिशत के उसमें पता चला है ना। अगर मैं आपसे रुपये में पूछूं तो आप पता है क्या करने वाले हो, उसको निकाल लोगे। तो इसका एक सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। I का मतलब आपको पता है ना, I आपके पास है साधारण ब्याज, ये इसको ही बोलते हैं I, ठीक है। अब देखो P मुझे यहाँ पर पता है 10,000 है, R मुझे यहाँ पर पता है 10 है और T मुझे यहाँ पर पता है 2 है, नीचे का 100 ऐसी है, काट दो। तो ये आया 100 इंटू में 10 इंटू में 2, इसका मतलब 2000 आ गया। तो मेरा ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज। तो ब्याज आ गया मेरा 2000 रुपए। तो मैं आपको 2 सालों के बाद 10,000 रुपए तो दूंगी ही दूंगी, उसके साथ 2,000 रुपए और दूंगी, तो कुल मिला के मैं आपको कितने पैसे दे रही हूँ, तो वो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ 12,000 रुपए, दे रही हूँ ना 12,000 रुपए। ठीक है, तो वो जो मेरे 12,000 रुपए आए वो मेरा आया मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन मैंने कैसे निकाला, जो मेरा पी था मूलधन, उसमें मैंने अपना ब्याज जोड़ दिया, तो 10,000 में मैंने 2,000 रुपए जोड़ दिए, तो मेरा मिश्र धन कितना आ गया, 12,000 रुपए आ गया। तो आपको ये सारी चीजें पता चल गई, मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, और मिश्र धन क्या होता है, और इनके सूत्र क्या होते हैं। 2 ही सूत्र हमने याद किया, एक ये वाला सूत्र और एक ये वाला। ठीक है, यही पूरा आपका इस वर्कशीट में लिखा हुआ है इस पेज पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 उदाहरण दे रखे हैं और 5 प्रश्न दे रखे हैं जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। उदाहरण 1 देखते हैं, कह रहा है रमन है एक, उसने 1,000 रुपए उधार लेना चाहता है वो रमन। साइनिया बैंक ने प्रतिवर्ष मतलब एक साल हर साल 10% ब्याज लिया उससे। ठीक है ना, तो उसने 1 साल के लिए लिया होगा। तो देखो उधार जितना लिया है हमने वो मेरा होता है पी मूलधन। ठीक है, तो मेरे को पी यहाँ पर दे रखा है 1,000 और मेरे को दर भी दे रखा है यहाँ पर 10% है। ठीक है, और समय भी दे रखा है 1 साल के लिए, और मुझे निकालना क्या है, मुझे ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने का सूत्र था P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P मेरा है 1,000, R मेरा है 10 और T मेरा है 1 और अपॉन में 100 ऐसी है। ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो मेरा 100 रुपए आ गया है ब्याज। इसका मतलब उस बैंक वाले ने रमन से 100 रुपए का ब्याज लिया, तो रमन उसे आखिरी में कितने पैसे देगा, A, जिसको हम अपना बोलते हैं मिश्र धन, है ना। तो वो कैसे था, वो था मेरा P प्लस SI। तो P मेरा था 1,000 रुपए और SI लिखो या आप I लिखो एक ही बात है। ठीक है, साधारण ब्याज को ही SI बोलते हैं, मैं I कर देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो 100 रुपए, तो रमन उसको कितने देगा, बैंक वाले को 1,100 रुपए वापसी देगा 1 साल के बाद। ठीक है, तो ये था आपका उदाहरण 1। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं किसी दर पर 4 वर्षों में 18,000 की राशि 27,000 की राशि हो जाएगी। कह रहा है किस दर पर, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको आर निकालना है। ठीक है, 18,000 की राशि कितनी हो गई, 27,000 हो चुकी है। तो पी मेरा जो था वो 18,000 था और राशि मतलब ए वो मेरी 27,000 हो गई है। कितने सालों में हो गई है, वो मेरे 4 सालों में हो गई है। देखो सारी चीज गिवन थी ना, तो मैंने सब चीजें लिख दी यहाँ पर। अगर आप ऐसे लिख लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने एक सूत्र किया था कि एक सूत्र होता है मेरे पास A इज इक्वल टू P प्लस आई, क्या था ना हमने ये सूत्र। तो A मुझको पता है यहाँ पर 27,000 है, P मुझको पता है यहाँ पर 18,000 है, और I मुझको नहीं पता है, नहीं पता ना I। तो क्या मैं यहाँ से I निकाल पाऊंगी, बिल्कुल। अगर मैं इस 27,000 में से इस 18,000 को माइनस कर दूं, वही तो मेरा ब्याज है ना। तो मेरा ब्याज यहाँ पर 9,000 रुपए आ गया। इसका मतलब मैंने कहीं पर 18,000 रुपए लगाए थे 4 सालों के लिए, मुझे 4 सालों के बाद 27,000 रुपए मिले। तो कितना ब्याज मिला, 27 में से 18 को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा 9,000 आया। तो इसका मतलब मुझे ब्याज मिला है 9,000 का, लेकिन मुझे तो दर निकालना है ना। तो दर कैसे निकालेंगे, तो आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब आई की जगह मैंने आई का मान रख दिया है, P की जगह मैंने यहाँ P का मान रख दिया है, R तो मुझे पता ही नहीं ऐसे ही छोड़ दिया है, T की जगह मैंने T का मान रख दिया है 4, और ये 100 ऐसी है। इन 2 0 से इन 2 0 को कट कर दिया, तो यहाँ आया मेरा 9,000 और ये आया मेरा 180 इंटू 4, R को मैंने पीछे लिख दिया। मल्टीप्लाई में मैं आगे पीछे कर सकती हूँ ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पर कर दी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 9,000 और 180 को ना मैंने क्या किया 4 से इंटू कर दिया, तो वो मेरा आया 720 मल्टीप्लाई में R। अब देखो आपको R का मान निकालना है, जिसका भी मान निकालना होता है ना उसको अलग छोड़ दो। ठीक है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई का है 720, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये अपना साइन बदल देगा, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो मल्टीप्लाई का था, दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको 9,000 को 720 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आर आ जाएगा 12.5%। तो इसका मतलब आपका दर कितना होगा, 12.5% होगा। ठीक है, इन्होंने जो सूत्र लगा रखा है ना वो भी ठीक है आपकी वर्कशीट में, लेकिन इसके लिए आपको 2-3 सूत्र याद करने पड़ेंगे। ये वाला लगाओ या ये वाला, एक ही बात है ना। तो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ 2 ही सूत्र याद करने हैं, मैं सारे प्रश्न उसी से कराऊंगी, बिल्कुल मैं उसी से ही कराऊंगी। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास 3500 7% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है, 2 वर्षों बाद कितना साधारण ब्याज देंगे। ठीक है, दे होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा कितना साधारण ब्याज देंगे, मतलब ये है इसका। ठीक है, तो आपसे 3500 लिया है ना आपने, तो पी मुझे दे रखा है 3500 है, 7% मतलब आर, दर मुझे दे रखा है 7% है। पीए मतलब पूरे साल का जो होता है। ठीक है, पर एनम इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और टी मुझे दे रखा है, समय दे रखा है 2 सालों का है। ठीक है, उसी के साथ साथ मुझे आई, ये मुझको निकालना है साधारण ब्याज। तो आई का मेरे पास एक सूत्र होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी की जगह मैंने पी रख दिया, आर की जगह मैंने आर का मान रख दिया, टी की जगह मैंने टी का मान रख दिया, अपॉन में 100 ऐसी रहने दिया। 20 से 20 कट कर दिया, 35 इंटू में 7 इंटू में 2 आ गया। तो इसका मतलब मैं 35 को 7 इंटू 2 14 होता है, 45 से इंटू कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो वो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ गया, तो मेरा 35 को 14 से इंटू करके आ गया 490। तो इसका मतलब आई, मेरा साधारण ब्याज यहाँ पर कितना आ गया, तो वो आ गया मेरा 490। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे पास, रितु एक बचत खाते में 7000 जमा करती है, बैंक 6% वार्षिक दर से ब्याज देता है, 5 साल बाद रितु को क्या राशि मिलेगी। देखो, एक लड़की है रितु, वो ना अपने बैंक में 7000 रुपये जमा करती है। अब बैंक उसे हर साल 6% दे रहा है, तो बताओ 5 साल बाद बैंक उसे कुल मिला के कितनी राशि देगा। 7000 तो देगा ही देगा, और थोड़ा फालतू देगा ना, तो वो जो फालतू है और 7000 जोड़ के वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे मूलधन दे रखा है पी, वो मुझे दे रखा है कितना, 7000। ठीक है ना, आर, दर मुझे दे रखा है 6% का है। ठीक है, समय मुझे यहाँ दे रखा है 5 साल का है, तो आप 5 years लिखो या साल लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और क्या बताना है, कितनी राशि। तो मुझे आई निकालना पड़ेगा, एक तो साधारण ब्याज नहीं पता, और ए भी नहीं पता। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अपना आई निकाल लेते हैं। तो आई का सूत्र होता है मेरे पास यहाँ पर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी की जगह पी का मान रख दिया, आर की जगह आर का मान रख दिया, टी की जगह टी का मान रख दिया, 100 नीचे का ऐसी है, 20 से 20 कट कर दी, तो 70 इंटू 6 इंटू 5 आ गया। अब जब आपने इन तीनों को 70 को 6 5 जो 30 होता है इससे किया, तो आपका आया 2100। इसका मतलब साधारण ब्याज वो 2100 रुपये देगा 5 सालों में। तो फिर कुल जितनी राशि कितनी मिलेगी उसे 5 सालों के बाद, वो ए चाहिए, मतलब पी प्लस एस आई नहीं आई, साधारण ब्याज लिखो या ये लिखो। ठीक है, मैं शुरू से इसमें आई लिखती आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको आई लिखवाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पी मेरे को 7000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ उस रितु को 2100 रुपये और मिल जाएंगे। तो उसको कितने पैसे मिल जाएंगे, उसको 9100 मिल जाएंगे। तो 5 साल के बाद रितु को क्या राशि मिलेगी, तो उसको कुल राशि कितनी मिलने वाली है, वो उसको मिलेंगे 9100। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में कह रहा है किस दर पर 2 वर्षों में 16000 की राशि 20000 की राशि हो जाएगी। कह रहा है किस दर पर, तो इससे आपको एक चीज तो पता चल रही है, दर मतलब आर है, तो आर आपको यहाँ पर निकालना है 2 वर्षों में, मतलब टी आपको दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, 16000 की राशि कितनी हो जाएगी, 20000 हो जाएगी। तो आपको पी मूलधन यहाँ पर दे रखा है 16000 और 20000 हो जाएगी, तो मिश्र धन भी तो आपको यहाँ पर दे रखा है फिर 20000। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो देखो आपको पता है ए का आपका एक सूत्र होता है मिश्र धन का, वो क्या होता है, पी प्लस आई। तो ए आपको दे रखा है 20000, पी आपको दे रखा है 16000 और आई आपको नहीं दे रखा। पता है मैंने क्या किया, यहाँ से ना आई पहले निकाल लिया, तो जब 16,000 रुपये डाले थे मैंने और 20,000 मिले तो मेरा ब्याज कितना मिला मुझे? 20,000 में से 16,000 माइनस कर दूंगी तो पता चल जाएगा ब्याज कितना है। तो ब्याज है मेरे पास 4,000 का। चलो ब्याज तो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे ब्याज निकालना नहीं था, मुझे तो दर निकालना है। तो ब्याज का एक सूत्र होता है P इंटू आर इंटू में टी अपॉन में 100 होता है। ब्याज की जगह मैंने ब्याज का मान रख दिया, P की जगह मैंने P का मान रख दिया, R मुझे पता ही नहीं ऐसे ही छोड़ दिया, T की जगह मैंने T का मान रख दिया, इन दोनों से इसको कट कर दिया। तो 4,000 और यहाँ बचा 160 इंटू में 2 और इंटू में R, R को पीछे कर दिया, 2 को आगे कर दिया। तो 4,000 इज इक्वल टू 320, ठीक है, इंटू में R। तो अब हम क्या करेंगे, 160 को मैंने यहाँ 2 से इंटू कर दिया है, ठीक है ना, R का मान निकालना है। अब ये मैंने आपको बोला था जिसका मान निकालना है ना उसे अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन 320 तो इसके साथ ही R के साथ, तो ये मल्टीप्लाई का है, तो ये दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, हो जाएगा ना डिवाइड का। तो अब हम क्या करेंगे, 4,000 को 320 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा R मतलब दर मेरा आ जाएगा 12.5%, ठीक है, पूरे साल का। तो ये मेरा R आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास यहाँ पर, कितने समय में कोई धनराशि, कितने समय में मतलब T आपको निकालना है, कोई धनराशि 10% वार्षिक दर पर दुगनी धनराशि हो जाएगी। देखो आपको कह रहा है यहाँ पर कोई धनराशि है वो कितने समय में दुगनी हो जाएगी अगर आपको दर जो है वो 10% के हिसाब से मिल रहा है हर साल। तो देखो इतना तो पता चल गया, समय में तो T आपको निकालना है, दर मतलब R आपको दे रखा है। अब ना आपको यहाँ पर मूलधन दे रखा है या ना ही मिश्र धन दे रखा, लेकिन हाँ उससे हमारे को उससे संबंधित एक चीज दे रखी है कि जितना भी मेरा मूलधन है वो कुछ समय के बाद दुगना हो जाएगा। तो अगर मैं मानूं, मैंने माना कि जो मेरा यहाँ पर मूलधन है, एक मिनट, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर माना कि जो मेरा ये मूलधन है P, ये मैंने X मान लिया, ठीक है ना। तो फिर जो मेरा A मिश्र धन है वो मेरा 2x हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि दुगना, तो मैंने x को दुगना कर दिया। आप यहाँ पर इसे 100 मान के भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे को पता है जो मेरा मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन मुझे पता है 2x है, मूलधन मुझे पता है x है, ब्याज नहीं पता। यहाँ से मैंने अपना ब्याज निकाल लिया, वो आया मेरा 2x माइनस x मतलब x आ गया। तो चलो मुझे यहाँ पर ब्याज पता चल गया, हाँ, लेकिन ये जो है x की फॉर्म में पता चला है, कोई बात नहीं, x की फॉर्म में पता चला है। तो अब मैंने ब्याज का सूत्र लगाया, वो होता है मेरा मूलधन गुना में दर गुना में समय, और यहाँ पर नीचे 100। मूलधन सॉरी ब्याज मुझे यहाँ पता है x है, मूलधन भी पता है x है, x ही मान रखा है मैंने। r तो मुझे पता ही नहीं है, पता है 10 है, t नहीं पता, और ये 100। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, तो ये आया x इज इक्वल टू x इंटू में t अपॉन में 10। अब आपको पता है जो चीज यहाँ होती है अगर दूसरी जगह जाती है तो वो अपना साइन बदल देती है। तो ये 10 यहाँ डिवाइड का है, उस साइड जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई का हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, तो ये बन गया मेरे पास 10x इज इक्वल टू x इंटू में t। अब तो आपको t का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है उसको तो हम अकेला छोड़ते हैं ना, लेकिन उसके साथ तो ये x लगा हुआ है, तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई का है, तो दूसरी साइड आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। आप देखो यहाँ t अकेला हो गया, इस x से ये x कट गया, इसका मतलब t कितना आ गया आपका 10 years आ गया। और आपको t ही निकालना था, कितना समय लगेगा कोई भी एक धनराशि को दुगना होने में अगर उस पे 10% का दर मिल रहा है तो हर साल, ठीक है। तो 10 साल लगेंगे दुगना होने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट का। कह रहा है रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, उसे 5 साल बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,000 मिले। साधारण ब्याज दे रखा है मुझे यहाँ, मतलब आई मुझे दे रखा है, तो मैं साथ साथ लिख लेती हूँ वरना भूल जाएंगे कि क्या दे रखा था, है ना। अब 5 साल तो मुझे टी भी दे रखा है यहाँ पर 5 years, ठीक है। यदि ब्याज की गणना 6% की दर से की जाती है, मतलब दर दे रखा है ना, तो आर मुझे दे रखा है 6%, तो वह कितनी राशि थी जो उसने जमा की थी। सब कुछ दे दिया लेकिन ये नहीं बताया कि रोहित ने कितने पैसे जमा किए थे, मतलब आपको मूलधन तो बताया ही नहीं है, ये मूलधन तो आपको ही निकालना है, बाकी सारी चीजें आपको बता रखी है। कि कितने पैसे उसे ब्याज के रूप में मिले, कितने दर से मिले और कितने साल में मिले, ये नहीं पता उसने कितने पैसे जमा किए। तो पी निकालना है मूलधन, तो मेरे पास ब्याज का एक सूत्र होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, होता ही नहीं होता ये सूत्र। ब्याज की जगह मैंने ब्याज का मान रख दिया, मूलधन तो पता ही नहीं है, तो दर की जगह दर और समय की जगह समय रख दिया। ठीक है, तो यहाँ आया 12,000 इज इक्वल टू पी इंटू में 30 अपॉन में 100, इस जीरो से जीरो कट हो गई, तो आया मेरा 12,000 इज इक्वल टू पी इंटू में 3 अपॉन में 10। तो अब देखो पी का मान निकालना है तो 3 और 10 को तो घुमाना पड़ेगा दूसरी जगह पे, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला छोड़ देते हैं ना। तो 10 यहाँ पर क्या है डिवाइड का, दूसरी जगह जाके ये बन गया मेरा मल्टीप्लाई का, ये पी इंटू 3 अभी यहीं छोड़ देती हूँ, तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4, गुना कर दिया है मैंने। ठीक है, अब पी का मान निकालना है ना, तो फिर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई का, दूसरी जगह जाके ये डिवाइड का हो जाएगा, तो चलो दूसरी जगह इसको भेज देते हैं। अब तो यहाँ से मेरे पास P का मान कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 40,000। इसका मतलब रोहित ने कितने पैसे जमा किए थे, तो लिखा था ना, तो वह कितनी राशि थी जो उसने जमा की होगी, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर कुल राशि जो रोहित ने जमा की थी, तो वो कितनी थी कुल राशि, वो थी 40,000 रुपए। इसका मतलब 40,000 रुपए रोहित ने जमा किए, तो 5 साल के बाद जाकर उसको उस पे 12,000 का ब्याज मिल गया 6% के हिसाब से। तो कुल मिला के कितने पैसे मिलेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं तो, वैसे इसमें पैसे निकालने नहीं है, फिर भी मैं पूछूं तो कितने मिलेंगे, 40 तो मिले ही होंगे, 12 और मिले होंगे, कितने हो गए 52,000 रुपए उसे मिले। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज रह गई है, फिर हमारी वर्कशीट खत्म है। यहाँ कह रहा है ध्यान दीजिए, देखो क्या कह रहा है, टाइम जो है ये टी जो है समय, हमेशा ना मुझे साल में दिया होता है, लेकिन अगर कभी ये मुझे महीने में दिया हो तो क्या करूंगी, तो कुछ नहीं करना। आप क्या करते हो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 करते हो ना, तो जब महीने में देना ये तो इंटू 12 कर देना साथ में, और जब ये आपको दिन में दे, दिनों में 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो फिर आप यहाँ पर 365 कर देना, एक साल में इतने दिन होते हैं ना मेरे पास, तो ये करना है, बस ये लिखा है ये दोनों चीज। तो जब साल में दे तो कुछ नहीं करना, जो सूत्र है वही रहेगा, और जब महीने में दे तो 12 से करना है नीचे, जब दिनों में दे तो 365 से। ठीक है, तो इसी के साथ वर्कशीट 14 कंप्लीट हो गई है। अब वर्कशीट नंबर 15 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।